नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माइकल जैक्सन, जिनको पॉप का राजा कहा जाता है, उनकी आत्मकथा पर एक नजर डालेंगे। माइकल जैक्सन का जीवन एक दिलचस्प सफर रहा है और हम आपको उनकी कहानी सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माइकल का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना, यूएस में हुआ था। वो एक अमेरिकी गायक, गीतकार, नृत्यक और परोपकारी व्यक्ति थे। उनकी माँ कैथरीन स्टर जैक्सन शहनाई और पियानो बजाती थी। एक देसी और पश्चिमी कलाकार बनने की ख्वाहिश रखती थी और सीयर्स में पार्ट टाइम काम करती थी। वो एक जेहोवा की साक्षी थी। उनके पिता जोसेफ वाल्टर, जो जैक्सन एक पूर्व बॉक्सर, यूएस स्टील में एक ऑपरेटर थे और पूरक के रूप में एक स्थानीय लय और ब्लूज बैंड फैल्कन्स के साथ गिटार बजाते थे। माइकल तीन बहनों के साथ बड़े हुए, रेबी, लाटोया एंड जेनेट, और पांच भाई, जैकी, टीटो, जार्मेन, मार्लोन एंड रेंडी। जैक्सन ने 1964 में अपने बड़े भाइयों जैकी, टीटो, जार्मेन एंड मार्लोन के साथ जैक्सन 5, जिसे बाद में जैक्सन के नाम से जाना गया, के सदस्य के रूप में सार्वजनिक शुरुआत की। इसके साथ ही उनकी म्यूजिक करियर की शुरुआत हुई। जैक्सन पर लिटिल रिचर्ड का पर्याप्त प्रभाव था, लेकिन जेम्स ब्राउन उनके सबसे बड़े प्रेरणा थे। बाद में उन्होंने कहा कि एक छोटे बच्चे के रूप में जब भी जेम्स ब्राउन टेलीविजन पर आते थे तो उनकी माँ उन्हें जगा देती थी। जैक्सन के पास कोई फॉर्मल संगीत प्रशिक्षण नहीं था और वो संगीत संगठन पढ़ या लिख नहीं सकता था। उन्हें गिटार, कीबोर्ड और ड्रम बजाने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन वो इनमें पारंगत नहीं थे। जैक्सन ने छोटी उम्र से ही जैक्सन 5 के हिस्से के रूप में नृत्य किया और अपने प्रदर्शन और संगीत वीडियो में नृत्य को बड़े पैमाने पर शामिल किया। जेफरी डेनियल द्वारा सिखाया गया मूनवॉक जैक्सन का सिग्नेचर डांस मूव था और 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध डांस मूव में से एक था। जैक्सन ने अपने अकेले करियर की शुरुआत 1971 में मोटाउन रिकॉर्ड्स में रहते हुए की थी। वो अपने 1979 के एल्बम ऑफ द वॉल से अकेले स्टार बन गए। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा अब तक के सबसे सफल मनोरंजनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। जैक्सन को रोलिंग स्टोन के सार्वकालिक महान गायकों की सूची में भी शामिल किया गया है। उन्हें 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक माना जाता है और उनको प्राचलित निजी जीवन के साथ साथ संगीत, नृत्य और फैशन में उनके योगदान ने उन्हें वैश्विक शख्सियत बना दिया है। दुनिया भर में 400 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड की अनुमानित बिक्री के साथ जैक्सन सभी समय के सबसे अधिक बिकने वाला संगीत कलाकारों में से एक है। जैक्सन ने सैकड़ों पुरस्कार जीते, जिससे वो लोकप्रिय संगीत में सबसे अधिक सम्मानित कलाकारों में से एक बन गए। उनके पुरस्कारों में 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है, जिनमें द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरटेनर ऑफ ऑल टाइम, 13 ग्रैमी पुरस्कार, साथ ही ग्रैमी लीजेंड अवार्ड और ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल है। जैक्सन जिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित थे, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जैक्सन की मृत्यु की सालगिरह 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है। फोर्ब्स ने जैक्सन को उनकी मृत्यु के बाद से लगातार सबसे अधिक कमाई करने वाली मृत्य हस्तियों में से एक के रूप में मान्यता दी है और उन्हें 2013 से 2020 तक शीर्ष स्थान पर रखा है। वो हमेशा अपने समाज के लिए भी काम किए और गरीबों, बच्चों और बीमारों की मदद की। कुछ अनुमानों के अनुसार उन्होंने अपने जीवन के दौरान इन्फ्लेशन को ध्यान में रखे बिना विभिन्न दान में 500 मिलियन डॉलर से अधिक का दान किया है। जैक्सन के दान का कुल मौद्रिक मूल्य काफी अधिक हो सकता है, क्योंकि जैक्सन अक्सर धूमधाम रूप से और बिना धूमधाम के दान कर देते थे। उन्होंने अपने परोपकारी कार्यों के लिए विभिन्न पुरस्कार और प्रशंसाएं मिली, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए 2 पुरस्कार भी शामिल है। जैक्सन के परोपकारी कार्यों की व्यापकता ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मान्यता अर्जित की है। 25 जून 2009 को लंदन में उनका कॉन्सर्ट रेसिडेंसी शुरू होने से 3 सप्ताह से भी कम समय पहले सभी कॉन्सर्ट बिक जाने के बाद प्रोपोफोल और बेंजोडियाजेपिन के कारण हुए कार्डिक अरेस्ट से जैक्सन की मृत्यु हो गई। माइकल जैक्सन ने म्यूजिक और नृत्य की दुनिया में अपनी नकल नहीं पाई। उनके योगदान हमें आज भी याद आता है और उनके गाने हमें हर दिन सुनने को मिलते हैं। माइकल जैक्सन की आत्मकथा एक सुपरस्टार के जीवन की एक अद्भुत कहानी है। उनका सफर दिलों में बसा हुआ है और वे आज भी हमें म्यूजिक से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अधिक ऐसे वीडियो देखने की इच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।